हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू पूजाज किचन। आज मैं मशरूम फ्राई राइस बनाने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक चम्मच तेल लिया है। पैन में 8 से 10 लहसुन को मैंने छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। अब हम इसमें मशरूम के स्टेम को भी काट के ले लेंगे और इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 चम्मच और इसे भून लेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसे हम रख देते हैं एक साइड में। अब एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच बटर लेंगे और 1 चम्मच तेल, ताकि बटर जले नहीं। अब इसमें हम 1/2 कटोरी लहसुन डालेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे भी गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम मशरूम डालेंगे और इसे भूनेंगे जब तक ये नरम ना हो जाए। इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे भून लेंगे नरम होने तक। ये देखिए, ये नरम हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे भी भून लेंगे अच्छे से 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम चावल डालेंगे 1 कटोरी और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डालेंगे और 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिला के भून लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई स्प्रिंग अनियन डालेंगे और इन सबको मिला लेंगे। ये मशरूम फ्राई राइस रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्राई किए हुए गार्लिक और स्टेम को डालेंगे। ये रेडी है। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इन्जॉय।